स्वागत है स्पाइस बॉक्स में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही सेहतमंद गोवन रेसिपी और इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं अंकुरित मूंग। और आपको पता है कि अंकुरित मूंग में होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स। आज हम बनाएंगे मूंगा छोगाथी, जो कि एक बहुत ही प्रचलित गोवन करी और ये यूजुअली सर्व की जाती है गोवन वेडिंग्स में। और इसमें इस्तेमाल होता है ज्यादा मात्रा में नारियल और है बहुत ही ज्यादा जायकेदार और सेहतमंद। आइए जल्दी से देखते हैं सामग्री जो हमें चाहिए बनाने के लिए मूंगा चोगाथी। इसके लिए मैंने ली है अंकुरित मूंग, जिनको मैंने बॉईल किया है कुकर में लगभग एक सीटी तक, एक कप नारियल का दूध, एक कप कसा हुआ नारियल, एक कटा हुआ टमाटर, स्लिट की हुई हरी मिर्च, भिगोए हुए काजू, घी या क्लैरिफाइड बटर, कड़ी पत्ते, धनिया के दाने, राई, काली मिर्च के दाने, लौंग, दालचीनी, इमली का पेस्ट, गुड़, हींग या एसोफेटिडा, हल्दी और नमक। आइए शुरू करते हैं बनाना मूंगा चोगाथी। इसके लिए मैं पैन गरम कर रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा तेल, और इस तेल में मैं डालने वाली हूँ खड़े मसाले और उनको भून लूंगी अच्छे से नारियल के साथ और उनका पेस्ट बनाऊंगी। और अब जब तेल गरम हो चुका है, मैं इसमें डालूंगी खड़े मसाले एक एक करके। सबसे पहले मैं लूंगी दालचीनी के चक्के और डालूंगी इसे तेल में। उसके साथ मैं ऐड करूंगी कुछ लौंग। अब इसमें डालूंगी काली मिर्च के दाने और खड़े धनिया दाने और मैं इसे भून लूंगी तेल में जब तक कि ये हो जाए थोड़े खुशबूदार। अब एक मिनट के बाद ये होने लगे हैं थोड़े खुशबूदार और मैं इसमें डालूंगी कसा हुआ नारियल। और अब मैं भून लूंगी ये नारियल इस तेल में लगभग 2 से 3 मिनटों के लिए और जब तक ये हो ना जाए हल्का ब्राउन रंग में। अब मैं भून रही हूँ ये नारियल को धीमी आंच पे, वरना ये नारियल जल भी सकता है। अब ये ब्राउन हो चुका है रंग में और इसीलिए हम गैस को ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब मैं फिर से पैन को गर्म कर रही हूँ और इसमें मैं डालूंगी क्लैरिफाइड बटर या घी। आप देख सकते हैं कि मैंने बनाया है एक स्मूथ पेस्ट डाल के थोड़ा सा पानी। अब पैन गर्म हो चुका है, इसमें मैं डालूंगी क्लैरिफाइड बटर या घी। और एक बार ये गरम हो जाए, जब ये गरम हो जाएगा तो मैं डालूंगी राई के दाने। और एक बार ये तड़तड़ने लगे तब मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ते और स्लिट की हुई हरी मिर्च, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी हींग और अब हम इसे भून लेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर डालेंगे कटे हुए टमाटर। इन कटे हुए टमाटर में मैं डालूंगी थोड़ा नमक, जिसकी वजह से ये टमाटर पक जाएंगे जल्दी से और बन जाएंगे पल्पी। और अब जब टमाटर होने लगे हैं पल्पी, तो अब इसमें मैं डालूंगी उबले हुए हरे अंकुरित मूंग। और इसमें मैं डालूंगी ये मसाला पेस्ट जो मैंने बनाया था। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा गुड़, लाने के लिए थोड़ी सी मिठास। और इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा इमली का पेस्ट। मैंने इमली का पेस्ट थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि मैंने पहले इस्तेमाल कर लिए हैं टमाटर। और अगर आपको चाहिए ज्यादा टैंगीनेस तो टमाटर को ना डालकर डालिए ज्यादा मात्रा में इमली का पल्प। और अब जब ये पक रहा है, अब इसमें मैं डालूंगी नारियल का दूध और मैं इसे मिला लूंगी। और नारियल का दूध डालने के बाद इसे ज्यादा समय तक नहीं पकाएंगे। इसी करी में अब मैं डालूंगी थोड़े भिगोए हुए काजू हम इसे पकने देंगे थोड़ी देर के लिए और फिर गैस को ऑफ कर लेंगे और ये हो जाएगा तैयार। ये हेल्दी मूंगा चोगाथी अब तैयार है सर्व करने के लिए। घर पे आप इसे खा सकते हैं अपने पसंद की कोई भी इंडियन ब्रेड के साथ। इसमें नहीं लिया जाता प्याज, अदरक या लहसुन को और इसीलिए आप इसे सर्व कर सकते हैं उत्सव के दिनों में भी घर पे। जरूर बनाइए ये हल्की टैंगी जायकेदार डिश घर पे और आपको यकीनन पसंद आएगी।